बस किया आपने जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। अगर किसी इंसान ने अपना पोटेंशियल खत्म करना है तो बस आसान रास्ता ले लो। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। इंसान डरता है, खौफ सदा होता है, एक्सपेरिमेंट करने से डरता है, फेलियर से डरता है। कुरान की आयत अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता जो डरता है। अल्लाह ने जितनी पावर दी है इंसान में, जितनी सलाहियत दी है, वो निकलती तब है जब वो इंसान अपने आप को चैलेंज करता है। कामयाब इंसान वो होता है जब उसको एक आइडिया आता है तो वो किश्तियां जला के जाता है उस आइडिया के ऊपर। वो फैसला ये कर लेता है कि अब मैंने वापस नहीं जाना। कोई उसके पास प्लान बी नहीं होता। एक जगह जब आप कॉन्सेंट्रेट करके और हार नहीं मानते और बार बार उस चीज के ऊपर आप कोशिश करते रहते हैं, मायूसियां होती हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। जब भी आप गिर के जब आप फिर खड़े खड़े का मतलब ये कि आप तजिया करते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई, ये मेरा आइडिया क्यों नहीं मैं पहुंच सका। अपनी वो जो गलती होती है उसको दूर करके जब आप फिर पैरों पर खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा तकड़े हो जाते हैं, अपने मिशन के करीब पहुंच जाते हैं। और ये मुसलसल एक प्रोसेस है जिसको स्ट्रगल कहते हैं। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितनी तुम जद्दोजहद करो।